स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर क्या कह रहा है कि ना स्कूल एक स्कूल है उसमें 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है भाई गिवन कंडीशन डाल दो, पूरा तीसरा डालो। इन आ स्कूल टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1000, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 30। इट इज नोट दैट आउट ऑफ 430, ये जो टोटल 430 इसमें से 10% गर्ल्स है स्टडी करती है क्लास 10 में, ठीक है। गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ट्वेल्थ में जो क्लास में लड़कियां पढ़ती हैं, 430 का 10% ऐसे निकालेंगे, 2020 गया, 43 गर्ल्स है भैया वो ऐसी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द स्टूडेंट चूज एन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, तो आप लेट करो इस कंडीशन, लेट ई बी द इवेंट डैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज, स्टूडेंट्स चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, ई वो इवेंट है, ठीक है। एंड एफ बी द इवेंट, एफ कौन सा इवेंट है जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल होनी चाहिए भैया, इवेंट डैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, ई के सर समझ गए। प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, आ जाओ सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ई और एफ में से कॉमन, ई और एफ में से कॉमन भाई, ई तो वो नंबर है जो स्टूडेंट चूजन कर रहे हैं रैंडमली, आपने उसमें से उठाया रैंडमली, आपने जो क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे उनको उठा लिया, क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों का आपने उठा लिया, ठीक है। अब जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जो लड़कियां हैं उनका कॉमन पार्ट पूछ रहा है, तो आप देखो लड़कियां तो 43 है सर, ये तो कंफर्म है, और वो क्लास 12th की, ये भी कंफर्म है उनका क्लास 12th की, 12th के साथ अगर कॉमन चीज पूछे तो 43 निकल के आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर निकल कर आ जाएगा, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है सर। अगला, अगर मैं इसी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछ लूं आपसे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, तो आप कहोगे 43 अपॉन 1000 हो गया सर, ये जीरो हटे और ये जीरो लग के पॉइंट लग गया, तो 0.043 हो गया, ठीक है सर। अगला एफ, एफ क्या है आपके पास, चूजन इवेंट जो है आपके पास वो गर्ल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? गर्ल। अब सर गर्ल कितनी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? 430, 430 इसका प्रोबेबिलिटी अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 430 अपॉन 1000, 0.43, बताओ समझ में। अब आपसे जो पूछ रहा है उसका आंसर ई और एफ, क्या कहोगे आप? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कितना हो जाएगा? देखो सर इसका हो जाएगा मेरे पास 0.043, इसका हो जाएगा 0.43, जीरो घटेंगे कितना बचेगा भाई, ऊपर से तो घटे तो नीचे 1000 बचा। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ रफली आपको देख रहा होगा, देखो 0.043 है अपॉन में 0.43, ये हटा ये हटा, ये हटा तो 1000 आया, ये हटा तो 100 आया, ये दोनों घट गए, दोनों घट गए, 1/10 बचा, ये हटेगा पॉइंट लगेगा, 0.1 बच गया, इन शॉर्ट आंसर, समझ गए? यहाँ दिखने में दिक्कत हो रही हो पर देख लेना, ये सॉल्व करा दिया, क्लियर? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन बोल रहा है, गिवन कि अगर ऐसा है तो ऐसा निकालो, ये चीज आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए इस वाली चीज में, तब आप प्रोबेबिलिटी कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी फील का चैप्टर है, मान के चलो फील करो हर कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई करके, यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो आप अपना भी एप्लीकेबल आंसर निकल जाएंगे, ठीक है? ओके।